दाग और गालिब और मीर की चाहो तो जैसे प्लेबैक सिंगर होते हैं
लेकिन अभी गाने के बाद ये इस रूम में से बाहर जाके गा के बताइए अपने आप पे, वही चीज तो नहीं होगी जगह पे, क्योंकि गले में वो सुर है नहीं, वो बैठेगी नहीं जगह पे, वो तो मेरे सपोर्ट से गाएंगे। तो प्लेबैक सिंगर ऐसे ही होते हैं आज के स्टूडियो में इतनी फैसिलिटी मिलती है आपको सारी चीज़ों की कि आप वो गाइए। अब उसी प्लेबैक सिंगर को स्टूडियो से बाहर निकल के कहिए कि अब ये गाना तो खुद ही गा के बता, और जबकि प्रोफेशनल सिंगर और वही, और लता जी से और आशा जी से आज उनके 50 साल पुराना भी गाना कहिए तो बराबर गाएंगी, तो क्यों? क्योंकि वो 10-15 दिन रोज बैठती थी रिहर्सल में, तो पूरा उन्हें याद हो जाता था। याद होने का मतलब वो पोइट्री नहीं, वो कंपोजिशन याद होती थी। होठों से छू लो तुम, अभी तो ये पोइट्री कह रहे हैं, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। अब ये सुनी भी है आपने भी, तो इसलिए आप उसको बहुत अच्छी तरीके से गा बजा रहे हैं। अगर उसमें एक नोट और लग रहा हो तो आप बराबर पहचान जाएंगे, जैसे अभी ये गजल थी। शार्प गा लग रही है और अभी एक कोमल गा लग रही है, तो आपको पता चल रहा है ना कि गलत हो रहा है। तो इस तरीके से अब अगर आप नया ऐसे ही गा रहे हैं तो ऐसा ही हो जाएगा। शार्प गा पे रखना है वो तो कंपोजर ने रखा है तो वो वहाँ गा रहे हैं या वहाँ रख दो। तो रफ़ी साहब और किशोर कुमार में जो फ़र्क होता था वो यही होता था। रफ़ी साहब लता जी वो गाती हैं थे आशा जी कि जो म्यूजिक डायरेक्टर चाहता था, किशोर कुमार वो गाता था जो वो खुद चाहता था, वो नहीं गाता था जो म्यूजिक डायरेक्टर चाहता था। गाते तो वो भी था बल्कि कई काबिलियत तो उसमें ज़्यादा थी किशोर कुमार में, रफ़ी साहब से भी ज़्यादा, लेकिन काबिलियत होना एक अलग चीज़ होगी। जैसे कि मैं ये सेंटेंस कुछ 10 सेंटेंस याद करके या एक काम आपसे पढ़ा हुआ जो 5th 7th फेल है, लेकिन काबिल है वो, शायद जहन अच्छा है या जो जहाँ पे आप दोनों काम कर रहे हो उस काम की नॉलेज अच्छी है उसकी, तो भी वो आप जैसा नहीं हो गया, वो एक पर्टिकुलर चीज़ में खाली अच्छा है आपसे, आप ऑन दी होल अच्छे हैं। तो ऑन दी होल अच्छा होना एक म्यूजिक मतलब आपके हर चीज़ में अच्छा आना चाहिए। 4 गाने आपने जैसे कि अभी रियलिटी शोज में जो होते हैं वो 10 गाने बच्चों को भी याद करवा दिए जाते हैं दिन रात 4 महीने रख के होटल में, और उन्हें दिन रात उन्हीं गानों पे प्रैक्टिस कराई जाती है, तो शोज में गाते हैं। तो पता तो सब सीखे वालों को चल रहा है ना कि वो कितने काबिल गा रहे हैं बजा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? आप तो यही कह रहे हैं कि अरे क्या बात है, क्या बच्चे गा रहे हैं, क्या हो रहा है। आपका थॉट अपना चल रहा है, जैसे सरस्वती की पूजा वाले दिन तबले वाला अपनी तबले की पूजा करेगा, सितार बजाने वाला अपने सितार की पूजा करेगा, गाने वाला अपने गाने की नहीं। ये सारा टोटल ऑन दी ऑल मिल के जो तो सिर्फ वो एक है, वो है सरस्वती देवी। चाहे आपका गाना हो या वादन हो या नृत्य हो, तीनों एक ही पहलू के 3 नाम है। सही बात है, ये चीज़ है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं उसके, सरस्वती की पूजा वाले दिन आप पढ़ाई की तरफ, भाई हम भी विद्या की कदर करते हैं, ऐसा नहीं कह रहे सॉरी कि भाई हम विद्या की कदर नहीं करते, विद्या तो सब विद्या ही है, लेकिन संगीत एक अलग विद्या है, संगीत का एक अलग अलग अपना, तो ये अपना अपना सोच है कि आप उसे किस तरीके से समझते हैं। जो शाखाएँ जो बन जाती हैं किसी भी चीज़ पर, वो तो वो लोगों की वजह से बनती हैं, क्योंकि आप पढ़ लीजिए कुछ उसी बात पे आपकी थॉट अलग चल रही है, आपकी थॉट अलग चल रही है। जो ये हमारा पहलू है ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हुआ जब से धरती बनी, ये गिलास पूरा भरा हुआ नहीं है। आप कह रहे हैं इसे आधा खाली है, मैं कह रहा हूँ 80% खाली है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं भरा हुआ तो है, आधे को भी आप कह सकते हैं आधा भरा हुआ है। आप आधा भरा हुआ कहेंगे, मैं कहूँगा आधा खाली है, खाली है, ये तो आपकी सोच है। तो इस तरीके से हमारी शाखाएँ बनती रही, लेकिन जो वेल अच्छी आत्माएं जैसे कहते हैं